दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2018 में आई एक सुपरनेचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है विंचेस्टर द हाउस दैट गोस्ट बिल्ट। मूवी रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जो कि है 1906 के अंदर एक सैरा नाम की लेडी के ऊपर, जिनका ये मानना था कि सैन जोस मेंशन के अंदर ढेर सारी स्पिरिट्स रहती है और कभी कभी इस मेंशन को द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब भाई देखो, जहाँ पर हॉन्टेड हाउस आ गया, रियल स्टोरी आ गई और बहुत कुछ आ गया, तो ऑब्वियसली बात है मूवी को इंटरेस्टिंग होनी ही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस नाम की एक बिल्डिंग को बनते हुए देख पाते हैं, जिसकी ओनर का नाम सैरा होता है, जो कि एक ओल्ड लेडी होती है। अब यहाँ पर हम सैरा को काफी सैड होते हुए देख पाते हैं, क्योंकि हाल ही में सैरा ने अपने हस्बैंड को खो दिया था, जो कि एक गन मैन्युफैक्चरर थे जिनका नाम विलियम बर्ट विंचेस्टर था। साथ ही साथ उनके बच्चे एनी की भी मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी दुखी रहने लगी। अब विरासत में उनको 20 मिलियन डॉलर मिले थे उस टाइम पर, जिसकी वजह से ही ये बिल्डिंग को खड़ी कर रही थी। अब यहाँ पर असल में उनका ये मानना था कि उनका परिवार भूत प्रेतों से श्रापित है, जिसका रीजन ये था कि उनके पति गन मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे और जो भी उनकी बंदूक की गोली की वजह से मारा गया, उनके भूतों ने उनके परिवार को ही कष्ट कर दिया था, और इसलिए ही इस घर का निर्माण करा गया, जिसका नाम विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस था, जो कि बहुत ही बड़ा और नेवर एंडिंग मेंशन है। और ये जो घर है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्शन में रहता है, और इसको संभालती है सैरा की भतीजी मैरियन मैरियट, जो कि अपने बेटे हेनरी के साथ वहाँ पर रहती है। और सैरा की एक खास बात ये थी कि वो हमेशा ही काले लिबास में रहा करती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि उन्होंने अपने हस्बैंड और बच्चे को खो दिया, जिसके दुख को दर्शाने के लिए वो हमेशा ऐसे कपड़े पहनती है। अब तभी अगले सीन में हम मैरियन के बेटे हेनरी को देख पाते हैं, जो कि एक यंग लड़का है, जो कि किसी इवन एंटिटी से पोजेस्ड लग रहा था। हेनरी ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ था और वो काफी वियर्ड बिहेव करता है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, जो कि अपने बच्चे को ऐसा करते हुए देखकर काफी डर जाती है। और जब वो हेनरी के फेस से मास्क हटाती है, तो हम ये नोटिस करते हैं कि हेनरी की आंखें बड़ी हो गई है और उसको किसी पावरफुल एंटिटी ने पोजेस किया हुआ है। हेनरी अब अपने हाथों से ऊपर की ओर इशारा करता है और बोलता है कि वो हमको नहीं छोड़ेगा। अब ये तो मूवी का एक पार्ट है। इसके दूसरे पार्ट में हम डॉक्टर एरिक को देख पाते हैं, जो कि अपनी वाइफ रूबी की मौत की वजह से डिप्रेशन में था, जिसके चलते डॉक्टर एरिक काफी ज्यादा नशा करने लगा था। अब डॉक्टर के हाथों में हम तभी एक बुलेट को देख पाते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। खैर, कुछ ही देर के बाद में डॉक्टर के पास एक आदमी आता है, जो कि विंचेस्टर कंपनी का ही एम्प्लॉई था। वो डॉक्टर एरिक से सैरा को एग्जामिन करने को बोलता है, क्योंकि कंपनी के मैनेजर के अकॉर्डिंग सैरा अपने हस्बैंड और डॉटर को खोने की वजह से पागल हो गई है और वो इस कंपनी को अच्छे से नहीं चला सकती। सैरा विंचेस्टर कंपनी की ओनर भी थी और इसको साइको साबित करके विंचेस्टर कंपनी के आला अधिकारी कंपनी को अपने नाम करवाना चाहते थे, और इसलिए ही उन्होंने अपना एक आदमी यहाँ पर भेज दिया, ताकि वो डॉक्टर एरिक से बात करके सैरा को पागल साबित कर पाए। वो आदमी अब डॉक्टर एरिक को पैसों का लालच देता है, जिस वजह से डॉक्टर भी इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। खैर, अब इसके बाद में डॉक्टर एरिक विंचेस्टर हाउस में जाते हैं, जहां पर उसकी मुलाकात मैरियन से होती है, जहां पर वो उसको उसका रूम दिखाती है। अब काफी रात हो जाने की वजह से डॉक्टर एरिक अपने रूम में सो रहे होते हैं कि तभी उसको किसी के होने का वहां पर एहसास होता है। पहले तो वो समझता है कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसको ऐसा लग रहा है। जी हाँ, वो यहाँ पर एक ड्रग्स लिया करता था सोने के लिए, लेकिन जब काफी देर तक भी सब कुछ नॉर्मल नहीं होता, तो डॉक्टर काफी घबरा जाता है। उसे बेसमेंट में से किसी की आवाज आती है, जिसको चेक करने के लिए वो नीचे जाता है, जहाँ पर वो सैरा विंचेस्टर को एक बॉक्स ओपन करते हुए देखते हैं। सैरा को एरिक की मौजूदगी का एहसास हो जाता है, जिसको देखते हुए डॉक्टर एरिक एक रूम के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। लेकिन उस रूम के अंदर एक एंटी
एक मौजूद होती है जो कि डॉक्टर एरिक पर अटैक कर देती है, लेकिन सही समय पर वो रूम का गेट खोलकर बाहर आ जाता है। अब डॉक्टर अपनी जान बचाते हुए विंचेस्टर हाउस के बाहर आते हैं, जहां पर वो हेनरी को देखते हैं जिसके फेस पर वही मास्क लगा हुआ था जो कि शुरुआत में था, और देखते ही देखते हेनरी छत से नीचे कूद जाता है, लेकिन डॉक्टर एरिक उसे पकड़कर हेनरी की जान बचा लेते हैं। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जिस इवल एंटिटी ने हेनरी को भी मारने की कोशिश करी है वो एक्चुअल में वही एंटिटी है जिसने सैरा के हस्बैंड और उसकी डॉटर को मारा था। और इस इवल एंटिटी ने ऐसा क्यों किया, इस चीज का रीजन हम थोड़ी देर में जान पाएंगे, पर फिलहाल के लिए वो इवल सैरा की पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता है। अगली सुबह डॉक्टर एरिक सैरा के पास होते हैं, जहां पर वो सैरा से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, और यहां पर सैरा एरिक से कहती है कि वो पागल नहीं है, वो बस ईवल पावर को फील कर सकती है, उनकी मौजूदगी का एहसास उनको होता है। अब उसी रात जब एरिक विंचेस्टर हाउस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तब भी वो सैरा को एक सीक्रेट रूम में देखते हैं, जहां पर वो अपने फेस को ऊपर करके एक ड्राइंग बना रही थी। उनका ऐसा करना काफी वियर्ड था, जिसको देखकर एरिक घबरा जाता है, और देखते ही देखते उस रूम की सभी कैंडल्स बुझ जाती हैं, और एक ईवल एंटिटी एरिक को हॉन्ट करने लगती है। अब अगली सुबह एरिक सैरा से रात के हादसे के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में सैरा उसको ये बताती है कि ईवल एंटिटीज उससे ये सब करवाती हैं। वो ईवल एंटिटीज असल में सैरा से उसी रूम का रेप्लिकेट बनवाती हैं, जिसके अंदर वो मारी गई थी, और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्शन होती रहती है वो इन्हीं ईवल एंटिटीज को रोकने के लिए होती है। सैरा यहाँ पर विंचेस्टर राइफल का जिक्र करती है, जिसको सुनकर एरिक को कुछ याद आता है। सैरा बताती है कि ये सारी एंटिटीज जो इस दुनिया में आना चाह रही है ये विंचेस्टर राइफल से ही मारी गई थी। विंचेस्टर राइफल एक स्पेशल गन है जो कि ईवल को मारने की शक्ति रखती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पति की ही ये कंपनी थी, और उनके द्वारा ही वो इंसान मारे गए थे जो अब ईवल एंटिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जिनके जरिए वो मारी गई थी उनसे वो डरेंगी भी। खैर, अब एरिक तभी एक शॉकिंग बात रिवील करता है कि उसको भी विंचेस्टर राइफल से ही शूट करा गया था, और क्योंकि वो एक प्योर सोल है इसलिए वो नहीं मरा, और गोली लगने के 3 मिनट बाद उसको होश आ गया था। इतना कहने के बाद में एरिक सैरा को वो बुलेट दिखाता है जो कि उसको लगी थी। बुलेट को देखकर सैरा कहती है कि मौत की चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, और सैरा एरिक को ये बताती है कि मौत से लौटे हुए लोग भी ईवल को देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, जिसका मतलब एरिक इसलिए ही उन ईवल को देख सकता था और उनको फील भी कर सकता था। फिर अगले दिन हम हेनरी को दोबारा से पोजेस्ड हालत में देखते हैं, और अपने पोजेशन के चलते वो सैरा के ऊपर एक राइफल से हमला कर देता है, लेकिन मैरियन और एरिक वहाँ पर सही समय पर आकर सैरा की जान बचा लेते हैं। एरिक मैरियन से कहता है कि उन्हें हेनरी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना चाहिए, क्योंकि वो इन सब को एक पागलपन समझ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर विंचेस्टर हाउस का एक सर्वेंट आता है जो कि एरिक से ये कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इन ईवल एंटिटी को यहाँ से भगाने में। उसकी बातों पर एरिक को भरोसा हो जाता है और वो उसके साथ चलने को राजी हो जाता है। तभी वो सर्वेंट अचानक से ही एक खतरनाक ईवल में कन्वर्ट हो जाता है और एरिक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब तभी वहाँ से भागकर एरिक सैरा के पास में आता है और इस हादसे के बारे में बताने लगता है, जिसको सुनकर सैरा एरिक को बताती है कि वो सर्वेंट तो आज से 19 साल पहले ही मर चुका है और उसकी ही आत्मा उसे और उसके परिवार को मारना चाहती है। सैरा बोलती है कि वो सर्वेंट अपने दो भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता है, जिनकी मौत विंचेस्टर राइफल से एक बॉल के दौरान हो गई थी। अब बॉल के खत्म होने के अगले ही दिन उस सर्वेंट ने विंचेस्टर कंपनी में घुसकर 15 इनोसेंट लोगों को मार डाला, और पुलिस के आगे सरेंडर ना करने की वजह से उसको भी मारना पड़ा, जिसके बाद उसने अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए सैरा से उसी रूम का रेप्लिकेट बनवाया, जिसके अंदर
अंदर वो मरा था ताकि वो इस दुनिया में आकर अपना बदला ले पाए। यानी कि सैरा ये अपनी मर्जी से नहीं करती थी, ये ईवल स्पिरिट उससे ऐसा करवा रही थी और इसलिए ही विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस के अंदर कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। ऑब्वियसली बात है, ईवल एंटिटी को रहने के लिए एक जगह चाहिए और अपनी परमिशन के बिना यानी कि इंसानों की परमिशन के बिना वो यहाँ पर नहीं रह सकता। खैर सैरा और एरिक बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो ईवल सर्वेंट वहाँ पर अर्थक्वेक ला देता है जिसके चलते बहुत से लोग मारे जाते हैं। एरिक को वापस से अब हेलुसिनेशन होने लगते हैं और इस बार वो अपने सामने अपनी वाइफ को देखता है जो कि विंचेस्टर राइफल पकड़ी हुई खड़ी थी। एरिक की वाइफ रूबी उसको कह रही होती है कि वो ईवल को फील करती है जिसके चलते उसे बहुत डर लगता है, पर एरिक अपनी वाइफ की इन बातों को सच नहीं समझता था जिसके चलते रूबी डिप्रेशन में चली गई थी और उसी ने गलती से एरिक के ऊपर विंचेस्टर गन से शूट कर दिया था जिसके बाद एरिक वहीं गिर गया। रूबी समझती है कि उसने अपने ही हाथों से अपने हस्बैंड को मार दिया जिसकी वजह से उसको बहुत गिल्टी फील होता है और वो खुद को ही खत्म कर लेती है यानी कि सेम गोली से जिसके बाद रूबी मारी जाती है। लेकिन एरिक जो होता है वो एकदम से स्नैप करता है और 3 मिनट के बाद में उसको दोबारा होश आ जाता है यानी कि वो जिंदा हो गया था। जिसके बाद में एरिक अपनी वाइफ की सोल को अपने पास खड़ा हुआ देखता है जिसके साथ में वो 15 सोल्स भी थी जिसको उस सर्वेंट ने मार दिया था और ये सारी सोल्स एरिक को भी दिखाई देती हैं और सभी एरिक से जस्टिस मांगती हैं। खैर अब इन सब के दौरान दूसरी साइड में हम मैरियन को देखते हैं जो कि हेनरी को ढूंढ रही थी क्योंकि हेनरी अपने रूम के अंदर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एरिक विंचेस्टर गन उठाकर सैरा के रूम में जाता है जहां पर वो उस डिमोनिक एंटिटी या फिर उस सर्वेंट को विंचेस्टर गन से ही शूट करके मार देता है यानी कि उस स्पिरिट को ही खत्म कर देता है। और ऑब्वियसली बात है उस गन के अंदर वो ताकत थी और उस सर्वेंट की स्पिरिट के खत्म होते ही विंचेस्टर हाउस के अंदर सब कुछ ठीक होने लगता है। और आप ये मत सोचना कि यहाँ पर गोली से स्पिरिट कैसे खत्म हो गई, ये एक स्पेशल टाइप की गोली है जिस गोली से उस सर्वेंट की मौत हुई थी उसी गोली से अब उसकी स्पिरिट ही खत्म हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये सब सैरा ने एक मीडियम के कहने पे किया था और शायद से उस मीडियम ने यहाँ पर इन गोलियों के अंदर कोई ना कोई तंत्र मंत्र फूंक दिया होगा जिसके चलते ऐसा हुआ है। खैर अब तभी मैरियन को हेनरी मिल जाता है और हेनरी भी अब नॉर्मल हो गया था। अब इतना सब होने के बाद में हम एरिक को देख पाते हैं जो कि एक एप्लीकेशन में ये लिखता है कि सैरा अब बिल्कुल नॉर्मल है और वही विंचेस्टर हाउस और कंपनी की रियल ओनर रहेंगी। अब इसके बाद में हम सैरा को देख पाते हैं जो कि ये अनाउंस करती है कि यहाँ पर और आत्माओं के रहने के लिए जो कि पीसफुल आत्मा है उनको यहाँ पर रहने के लिए और रूम्स बनवाने की जरूरत है क्योंकि सैरा का ये मानना था कि बोर के अंदर जितने भी लोग मारे गए थे वो उनके पति की गन की और बुलेट की वजह से मारे गए तो उन सभी स्पिरिट्स का यहाँ रहना गलत नहीं होगा। अब घर को फिर से रिपेयर करा जा रहा था लेकिन तभी कैमरा टर्न करता है रूम की तरफ जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि एक नेल होती है यानी कि कील होती है वो उस रूम से बाहर निकल रही होती है क्योंकि इस घर के अंदर हर रूम के अंदर आत्माओं को कैद रखने के लिए 13 कील गाड़ी जाती है और ऐसा उस मीडियम ने बताया था क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर यहाँ पर स्पिरिट अंदर रहेंगी तो वो कभी भी बाहर भी निकल सकती हैं। तो सैरा यहाँ पर ये करती थी कि जब भी ये ईवल स्पिरिट या फिर नॉर्मल स्पिरिट उसको पोसेस्ड करके उसी के रूम का वो करवाती थी यानी कि उसकी ड्रॉइंग बनवाती थी तो वैसा ही वो रूम रिपेयर करवाती फिर उसके अंदर वो स्पिरिट जैसे ही एंटर करती थी वहाँ पर वो 13 कीले बाहर ठोक दिया करती जिससे कि वो स्पिरिट वहीं पर पीसफुली रहे और बाहर ना आ पाए। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।